आतंकवाद और उदयपुर में हुई घटना के विरोध में भाजपा खुर्सीपार मंडल द्वारा श्रीराम चौक में आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा व भाजयुमो के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान के उदयपुर में हुई हत्या के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है और हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। इसी के तहत खुर्सीपार में भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं द्वारा प्रदर्शन स्वरूप आतंकवाद का पुतला दहन श्रीराम चौक खुर्सीपार में किया। प्रदर्शन के पूर्व आतंकवाद के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। पुतला दहन के इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू और मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा खुर्सीपार मंडल अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यह उदयपुर की जो घटना हुई है, कन्हैया लाल को जो अस्त्र से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी, उसी के विरोध में ये पुतला का दहन किया जा रहा है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार अभी अन्य प्रदेशों में भी सामने आ रही, छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक परिवारों को धमकी दी जा रही, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये घटनाएं जो पूरे देश में एक तरह से चल रही है अभी, इस पर बहुत ही शीघ्र रोक लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो इससे आतंकवादियों का या इस तरह के जो घटना करने वाला उनका जो हौसले है बुलंद हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में उदयपुर में जो निर्मम हत्या की गई कन्हैया जी की, उनके अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए ऐसा हम मांग करते हैं। और देखा जा रहा है कि प्रदेश के हर जिले हर शहर में इस टाइप का घटना सुनने को मिल रहा है कि हम उनकी हत्या कर देंगे, इनकी हत्या कर देंगे। ऐसा यदि होता है तो हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग और साथ में पूरा भारत के लोग मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और बड़े से बड़ा कार्रवाई की मांग करेंगे। श्रीराम चौक पुतला दहन का कार्यक्रम राजस्थान में जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है और ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हत्यारे को फांसी के लिए मांग करती है और उसका विरोध करती है। क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं अन्य प्रदेशों में भी सामने आ रही हैं और छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा सामने आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये घटना लगातार हर प्रदेशों में होती रहेगी तो इससे अपराध बढ़ेगा, आतंकवादियों का हौसला बढ़ेगा। इसलिए इस कार्य को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे हिंदुत्व जो है एकजुट हो रहा है और ऐसे कार्यों के लिए घोर निंदा कर रहा है। बहरहाल, आतंकवाद के पुतला दहन के इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।